हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ अरविंदो फार्मा के बारे में, इसका प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अगर इसमें निवेश किए हुए हैं तो कैसे बचेंगे। तो दोस्तों, अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 656 रुपीज़ चल रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो इसमें देखी जा रही है, ये ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। ये जो 800 से जो गिरने लगा है, तो बस इसका जो है लोअर पॉइंट ही बनाते जा रहा है दोस्तों, बस लॉस पे लॉस दिए जा रहा है। लेकिन आज मैं दोस्तों आप लोगों को एक हैरान कर देने वाली बात बताऊँगा अरविंदो फार्मा के बारे में, जिससे आप जो है अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। इसी वजह से दोस्तों आपका लॉस हो रहा, वो गलती मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो ओपन कब हुआ था स्टार्टिंग में। तो देखिए दोस्तों, 659 पे ये ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद ये जिसका लोवेस्ट फिर देख लेते हैं, ओ माय गॉड, 40 रुपीज़ तक चला गया था। फिर देखिए 60 रुपीज़ में ये जो हाइएस्ट है, लेकिन अभी 656 में ट्रेड कर रहा। तो दोस्तों, आपने जो गलती किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपने गलती किया है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो है अरविंदो फार्मा के बारे में। देखिए, मैंने अपलोड किया था 19 मई को दोस्तों, मैंने अपलोड किया था। और इसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, विथ टारगेट के साथ दोस्तों मैंने बताया था कि इसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला। तो चलिए एक बार वीडियो में मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। और एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो में अगर कुछ दिखाई ना दे ठीक से, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मैंने आपको डेट दिखा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके NSE के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। का प्राइस अभी गिर रहा है, तो यहाँ तक लास्ट था, तो अभी तो दोस्तों यहाँ 670 में चल रहा, तो इसका क्या किया जाए। देखिए दोस्तों, मैं एक तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट मैंने इसमें आपको बताया कि इसका जो प्राइस चल रहा है 670 में चल रहा, बात बोल रहा हूँ इसका प्राइस इंक्रीज होगा। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका प्राइस इंक्रीज होगा, और ये कहाँ तक चला जाएगा। अभी तो कितना है, 670 पे है ना, 700। ये देखिए दोस्तों, 700 पहला टारगेट है मेरा, 700। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको साफ साफ बताया कि इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ होगा, तो इंक्रीज़ होगा। और मैंने दोस्तों इसमें जो है आपको टारगेट भी दिया। और आपकी गलती मैं बताता हूँ, आपने जो गलती किया है ये है दोस्तों। देखिए अरविंदो फार्मा, मैं इसका जो है आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ग्राफ ओपन होने में थोड़ा लेट होता है, पर ओपन हो जाएगा। तो ग्राफ ओपन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैं 1 ईयर का चार्ट में आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका प्राइस जब चल रहा था 670 रुपीज़ पे, तभी मैंने बोला था इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा। आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब इसका प्राइस चल रहा था, इधर में जब इसका प्राइस चला था 670 रुपीज़ में यहाँ पर, तभी मैंने आपको बताया था कि इसका प्राइस 700 तक जाएगा और इंक्रीज़ होगा। तो देखिए, इसका प्राइस जो है 702 रुपीज़ तक गया था। उसका बाद से फिर ये देखिए, इसमें जो गिरावट ही गिरावट है, और जो गिरते जा रहा है दोस्तों, ये उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, यही आपकी जो बहुत बड़ी गलती है, जो यही है दोस्तों आपका, कि ये जो है आप जो टारगेट को टच होने के बाद इसको जो है ख़रीदा है, तो इसलिए दोस्तों ये नीचे जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने फर्स्ट में ही आपको बताया कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बताया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। और दूसरी गलती मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये एक मेरा वीडियो है LIC हाउसिंग का, इसको मैंने पब्लिश किया था 12 मई को, और 12 मई को अपलोड किया था दोस्तों। और इस वीडियो में मैंने बताया था कि इसका प्राइस जो है इंक्रीज होने वाला है, आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं दोस्तों। ये दिख रहा है, ये कौन सी कंपनी है, LIC हाउसिंग ऐसे कुछ दोस्तों। देखिए ओपन हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जिनके पास पैसे हैं इस कंपनी को होल्ड करके रख लीजिए, ये फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाला है। ध्यान से मैं जो भी बोल रहा हूँ दोस्तों, एक बार ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। मैं उनके लिए ज़्यादातर ध्यान देना चाहता हूँ, जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और एक लाइक करते हैं, उनके लिए दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है, अगर आपको कभी कुछ हेल्प चाहिए तो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें आपको टारगेट बताता हूँ, ग्राफ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए, इसका इसका जो प्राइस है अभी कहाँ पर चल रहा है, देखिए 473 रुपीज़ अभी इसका प्राइस चल रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका प्राइस जो है 500 को टच करेगा,
500 को जैसे ही टच किया, तो आपको अगर और क्षमता है आपके अंदर वेट करने का, होल्ड रखने का, तो दोस्तों ये शेयर जो है और ऊपर जा सकता, और ऊपर जा सकता, और ऊपर जा सकता, 550 भी तोड़ देगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने LIC हाउसिंग के बारे में बताया था 12 मई को कि इसका प्राइस जो 773 रुपीज़ पे चल रहा था, 473 रुपीज़ पे चल रहा था, और मैंने दोस्तों साफ साफ उस वीडियो में बोला कि LIC हाउसिंग का जो है पहला टारगेट जो मेरा 500 है, दूसरा टारगेट 550 है। आज के डेट में देखिए दोस्तों, इसका 550 को भी ये क्रॉस कर चुका है, 550 को। अगर इसका हाईएस्ट देखिएगा दोस्तों, तो ये इससे भी ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो को डेली फॉलो करते हैं, उनको साफ साफ डेली बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। उससे आप जो है एक दिन पहले ही आप अपना जो है लगा सकते हैं बाय करने का और सेल करने का, और अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मार्केट ओपन होते ही। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर मैं ग्राफ में बताना चाहूँ, तो इसका देखिए, जब इधर चल रहा था दोस्तों इधर चल रहा था 73 रुपीज़ पर चल रहा था दोस्तों तभी, और मैंने बोला था मेरा जो फर्स्ट टारगेट है 500, और सेकंड बोला था दोस्तों 550 को भी क्रॉस कर देगा। आज के डेट में देखिए दोस्तों, ये 566 तक चला गया था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो में दोस्तों एक दिन आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। देखिए, मैंने PC ज्वेलरी का वीडियो अपलोड मारा था कल, आज के और इस वीडियो में मैंने बताया था कि इसका प्राइस जो है डिक्रीज़ होने वाला है, और आज के डेट में दोस्तों देखिए, इसका प्राइस जो डिक्रीज़ हुआ है 3 रुपीज़ डिक्रीज़ हुआ है। और मैंने बताया था सन फार्मा के बारे में कि दोस्तों इसका प्राइस जो है दोस्तों बहुत तेज़ी से नीचे गिरते जा रहा था। और मैंने बताया दोस्तों कि इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है, जिनको खरीदना है खरीद सकते हैं, और जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जा सकते हैं इसमें से। और दोस्तों, पहली बात दोस्तों, आप नोटिस कीजिए मैं क्या बोल रहा था। मैंने दोस्तों अपने वीडियो में टारगेट भी बताता हूँ हर एक वीडियो में दोस्तों, और मैंने बताया सनफार्मा का प्राइस इंक्रीज़ होगा, और आज के डेट में देखिए दोस्तों, इसका जो है प्राइस इंक्रीज़ भी हुआ है। उसी तरह देखिए दोस्तों, DHFL, आरकॉम, येस बैंक, EMA MI, और इसका देखिए मदर सुमी, देखिए टेक महिंद्रा, आरकॉम, DHFL, दोस्तों मैंने सारे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं दोस्तों। आप अगर मेरे किसी भी वीडियो को उठा के रेंडमली दोस्तों अगर पेपर ट्रेड कर लेंगे, जैसे कि देखिए दोस्तों, मैंने ओरिएंट पेपर के बारे में बोला कि इसका प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक ना। मान लीजिए आपको अगर वीडियो में ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए, आप जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जो है आप डेट देख सकते हैं 25 मई को, इस ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, और इस वीडियो में मैंने बताया कि इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा। तो आप दोस्तों NSE का वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने बोला था इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ, और जितना टारगेट दिया था उतना टच हुआ कि नहीं हुआ। तो यही आपने गलती कर दी दोस्तों, मैंने अरबिंदो फार्मा का देखिए इधर ही वीडियो बना के अपलोड किया था बहुत दिन पहले, और मैंने बताया था देखिए दोस्तों, ये इस वीडियो में मैंने बताया था कि इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है, यहाँ पर जिनको ख़रीदना है ख़रीद लीजिए, देखिए 15 डेज़ पहले। तो वही आपने जो है गलती किया दोस्तों, टारगेट को टच करने के बाद, मेरा टारगेट अचीव होने के बाद आपने इसको ख़रीदा है, तो इसीलिए आपका जो है लॉस होते जा रहा है। अगर आप आज से भी चाहते हैं दोस्तों कि एक दिन पहले ही आपको पता चल जाए कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। और दूसरी बात, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आप जो है नोटिस कर लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वो जो था दोस्तों अरबिंदो फार्मा या चाहे टोरेंट फार्मा, ये सब दोस्तों बहुत महंगा महंगा शेयर है। तो जो लोग छोटे निवेशक हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाया जाता है। जैसे कि देखिए, ये देखिए आइडिया, वोडाफोन आइडिया, इसका प्राइस दोस्तों अभी 14 रुपीज़ पे चल रहा है। मैंने जब इसका जब दोस्तों 11 रुपीज़ पे था, तभी मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था, ये वीडियो में मैंने बताया था कि इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है, और ये 15 रुपीज़ तक जा सकता है, मेरा टारगेट है। तो दोस्तों, जो छोटे निवेशक हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, उनके लिए भी वीडियो बनाया जाता है। देखिए, ये इसका तो प्राइस था 11 रुपीज़, देखिए ओरिएंट पेपर का प्राइस था
30 रुपीज़। इसका भी मैंने वीडियो बना के बताया था, इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा 34 रुपीज़ तक हाइस्ट गया था। और देखिए, और AVNL ऐसे करके दोस्तों मैंने 3-4 बहुत सारे शेयर्स बताए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे छोटे निवेशक हो चाहे बड़े निवेशक हो, बिना जाँच पड़ताल के आप किसी भी शेयर्स को ना खरीदने, तो आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है और आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि DHFL में दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को, PC ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आप लोगों को, और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उल्टे फुलटे काम ना करें जिससे आपका लॉस हो। मेरे हमारे यहाँ दोस्तों आपको सर्विस दी जाती है और उस सर्विस में आपको बताया जाएगा दोस्तों कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज होने वाला है जो आप बाय कर सकते हैं, और उसमें जो है आपको डेट भी दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कितने टाइम में ये जो टारगेट पूरा हो जाएगा। ये तो दोस्तों यूट्यूब में एज ए ट्रायल आपको वीडियो जो है प्रोवाइड किया जा रहा है एज अ ट्रायल के लिए, जो कि आपको बिलीव हो जाए कि हमारे यहाँ से जो सर्विस जा रही है वो अच्छी सर्विस जा रही है या करेक्ट या रॉन्ग है, वो आप जो है जज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने 100 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए दोस्तों। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने बोला कि इसका प्राइस डिक्रीज़ होगा, और आज के डेट में जाके देखिए दोस्तों, मैंने 6 डेज पहले ही बोला था और आज के डेट में जाके देखिए बहुत नीचे चला गया है। तो उसी तरह मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, हमारी वीडियो में एक दिन पहले ही बता दिया जाएगा अगर आपको सर्विस लेना है दोस्तों, या सर्विस लेना है चाहे दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है आपको या किसी शेयर्स में आप फंसे हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर रहेगा दोस्तों, आप बिल्कुल बेहिचक कॉल कर सकते हैं और कभी भी, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, या आप कभी भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको सर्विस चाहिए तो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सकता है आने वाले वीडियो में आपको कुछ ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए।